प्रथम तहलका न्यूज। पानीपत के गांव बिझोल की रहने वाली एक महिला ने सनोली थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि सनोली थाने के एक पुलिस जवान और दो अन्य लोगों ने नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू की, तो मामला कुछ और ही निकल कर सामने आया। दरअसल महिला तीनों को हनी ट्रैप में फंसा कर लाखों रुपए ऐंठना चाहती थी, जिसमें कांग्रेसी नेता सुनील बिझोल समझौते करवाने में शामिल था। फिलहाल पुलिस ने कांग्रेसी नेता पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कांग्रेसी नेता के गिरफ्तार होने के बाद से ही आरोपी महिला फरार चल रही है। उस मामले में क्या? देखिए, थाना सनोली में 376 के अंतर्गत एक FIR दर्ज हुई थी और वो मैं समझता हूँ कि जो अब तक उसमें तथ्य आए हैं वो ब्लैकमेलिंग के पर्पज से हुई थी, और उसमें कल एक सुनील नाम का आदमी भी उसमें इन्वॉल्व हुआ है, उसको हमारे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी आज उसका पुलिस रिमांड लेंगे, फर्दर पूछताछ करेंगे, और उसमें आरोप ऐसे हैं कि ये समझौता कराने के नाम पर कुछ रकम ऐंठना चाहते थे, उनसे FIR दर्ज करवा के। हालांकि वो जो अभी तक आया है कंसेंट से वो लेडी वहाँ पर गई थी और उसकी एवज में वो ब्लैकमेल करना चाहते थे। कितने लोग थे सर जिन्होंने रेप के इल्ज़ाम लगाया महिला ने? वो तीन पे आरोप लगाया हुआ है और अभी उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, अभी सुनील को कल गिरफ्तार किया। महिला भी फरार है? हाँ, महिला की तलाश कर रहे हैं, अभी वो मिली नहीं है। दरअसल इस तरह के कई मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें पुलिस अब पूरी तरह से छानबीन करने के बाद ही गिरफ्तारी करती है, जो कि सही है, क्योंकि हनी ट्रैप जैसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आरोपी महिला की गिरफ्तारी कब तक होती है और उससे पूछताछ के दौरान और क्या क्या खुलासे होते हैं। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।